बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम बना रहे हैं आलू वाले चावल, जिसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। मैंने एक गिलास चावल का लिया है जो कच्ची वनस्पति है, इसको मैंने 20 से 25 मिनट भिगोया है। और मैंने दो आलू लिए हैं, इसको इस शक्ल में इसकी कटिंग की है। एक मैंने प्याज ली है मीडियम साइज़ की, एक टमाटर लिया है और 4 से 5 हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून नमक, 2 पिंच हल्दी ऑयल। ये देखें, मैं ऑयल डाल रही हूँ। कच्ची में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डलता है पक्की की बनस्पत। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ, एक मैंने ली है मीडियम साइज़ की, क्योंकि चावल भी कम है, आलू भी इतने नहीं हैं। तो जैसे आप चीज़ें बढ़ाएं, चावल बढ़ाएं, उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी भी बढ़ाते जाएं। इसको लाइट गोल्डन करूंगा। ये देखिए, हमारी प्याज लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक 1 टेबलस्पून डाल दूँगी। बहुत जल्दी बन जाते हैं ये चावल और मज़ेदार भी बहुत होते हैं। थोड़ा सा जो है इसका रंग चेंज होगा लहसुन अदरक का, तो मैं इसमें आलू डालती हूँ। मैं इसमें आलू डाल दूँ जो मैंने दो लिए हैं। कटिंग एक जैसी करनी चाहिए ताकि वो देखने में भी खूबसूरत लगे और उनका टेस्ट भी अलग होता है। थोड़ा सा आलू को इसे भूनूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, आलू को थोड़ा भूना है। अब आलू के ऊपर मैं डाल रही हूँ नमक, जो मैंने 1/2 टेबलस्पून लिया है, 2 पिंच हल्दी, इससे आलू का कलर ज़रा खूबसूरत हो जाता है। एक टमाटर बड़े साइज का लिया, पांच हरी मिर्चें जिनको मैंने दरमियान से कट किया, हाफ कट किया, फुल नहीं किया, इसकी भुनाई करूंगी। ये देखिए, भुनाई के दौरान मैंने 2 दालचीनी के टुकड़े डाले हैं और ये लौंग डाली है 4-5। अब मैं इसको भुनाई कर रही हूँ। देखें व्यूअर्स, आलू तकरीबन गल चुके हैं। अब मैं इसमें चावल डाल रही हूँ, जो कि हमने 1 गिलास लिया था। पानी डाल दूंगी। ये देखें व्यूअर्स, पानी इसका कुछ हो चुका है। अब मैं इसको दम पे रखूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे चावल आलू वाले तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको सर्व करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे आलू वाले चावल तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इन चावलों को सलाद, टमाटर की चटनी और दही के साथ आप खाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा।